आप सभी जानते हैं रेलवे हमारे देश की लाइफलाइन है। आपने भी अपने जीवन में कई बार रेल से यात्रा की होगी। रेल से जुड़े कई रोचक सवाल हमारे मन में आते हैं, उनमें से एक यह भी है कि रेल पटरियों पर पत्थर क्यों पड़े होते हैं। चलिए जानते हैं। रेल की पटरी के नीचे कंक्रीट के बने प्लेट होते हैं जिन्हें स्लीपर कहा जाता है। इन स्लीपर के नीचे पत्थर यानी गिट्टी होती है, इसे ब्लास्ट कहते हैं। ट्रेन का वजन करीब 10 लाख किलो तक होता है। इस वजन को सिर्फ पटरी नहीं संभाल सकती। इतनी भारी ट्रेन के वजन को संभालने में लोहे के बने ट्रैक के साथ कंक्रीट के बने स्लीपर व पत्थर मदद करते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा वजन इन पत्थरों पर ही होता है। पत्थरों की वजह से ही कंक्रीट के बने स्लीपर अपनी जगह से हिल नहीं पाते। ट्रैक पर बिछाई जाने वाली गिट्टी खास तरह की होती है। ये नुकीले होने के कारण एक दूसरे में मजबूत पकड़ बना लेते हैं, जिससे ये पत्थर आसानी से ट्रेन का वजन संभाल लेते हैं। ट्रेन पर अगर गिट्टी नहीं बिछाई तो ट्रैक पर घास और पेड़ पौधे उगाएंगे। बारिश के दिनों में भी जब पानी ट्रैक पर गिरता है तो वह गिट्टियों से होते हुए ज़मीन में चला जाता है। इससे पटरियों के बीच जल भराव की समस्या नहीं होती। इसके अलावा ट्रैक पर जब ट्रेन स्पीड में दौड़ती है तो कंपन पैदा होता है, जिससे पटरियों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है। कंपन कम करने और पटरियों को फैलने से बचाने के लिए ट्रैक पर पत्थर बिछाए जाते हैं, और यह पत्थर कंक्रीट के बने स्लीपर को एक जगह स्थिर रहने में भी मदद करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।